आकाश को लेकर मायावती का बड़ा बयान। मायावती ने अपनी एक सभा में अपने भाई और भतीजों को सियासत के मंच पर उतार दिया है। बुलंदशहर में शनिवार की रैली में उन्होंने ऐलान किया कि जब वह अपने परिवार भाई भतीजे को साथ लेकर चलेंगी, ऐसे में आगे चलकर उनका राजनीति उत्तराधिकारी भी परिवार से ही हो सकता है, कोई अचरज नहीं होना चाहिए। हालांकि वह पार्टी संविधान में ऐसी गुंजाइश न होने का हवाला देकर ऐसी संभावनाएं भी खारिज करती आई हैं। उनको राजनीति के सभी पैतरे भी सिखा रही हैं ताकि उठना बैठना बोलचाल संबोधन ये सारी चीजें आकाश को समझ में आने लगी हैं। मायावती ने 13 अप्रैल को बुलंदशहर के चुनावी रैली में भाई आनंद व भतीजे आकाश व ईशान का परिचय कराते हुए उन्होंने कहा कि अगर मीडिया के पास कुछ भी नहीं होता है तो जूते चप्पल दिखाकर ही सरकार को गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन आकाश एक सुलझे हुए समझदार पढ़े लिखे युवा हैं और वो नेतृत्व भी अच्छे से समझते हैं, तो क्यों ना उनको राजनीति में लिया जाए। आगे बहन कुमारी मायावती का क्या आदेश रहता है, क्या योजना है, ये वही जाने और देश भी समझता है कि किस तरीके से बहन कुमारी मायावती ने नाना करते हुए भी आकाश को राजनीति के अंदर लेकर आ गए। आकाश से भी लोगों को बहुत उम्मीद है क्योंकि वो यूथ को समझते हैं और यूथ को जोड़ने का प्रयास भी करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।